आज हम इस वीडियो में 2.2 करेंगे। 2.2 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना जा रही हूँ, आपने वो बेसिक ध्यान में रखने हैं, उसी के बाद हम ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। 2.2 में आपने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान में रखेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी ax² + bx + c = 0। तो हमें सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, ये हमें वेरीफाई में हेल्प करेंगे कि शून्यकों का योग यानी कि जो आपके रूट्स आते हैं उनका सम कितना होगा। एक मैंने उनको रूट्स को मान लिया अल्फा एंड बीटा, तो इसका क्या होगा -b/a। बी हमारे पास ये होता है और a हमारे पास c है। फिर उसका गुणनफल यानी कि उनके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा c/a यानी कि दिस टर्म बाय दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये टू पॉइंट्स आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं, ये हमें वेरीफाई में हेल्प करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। सब हमें इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं? हमें इसको इस तरह से स्प्लिट करना होता है, यानी कि मिडल टर्म को आप इस तरह से स्प्लिट करोगे कि जो आपकी मिडल टर्म है वो तो हमारे पास सम आए और जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है इसकी प्रोडक्ट आए हमारे पास। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपको इसको फैक्टराइज करना है, आपको मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो उसके आपने दो टुकड़े किए हैं उनका जो सम होगा वो फर्स्ट जो सम होगा वो हमारे पास मिडल टर्म आना चाहिए और जो उसका प्रोडक्ट होगा उनका वो हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना है 1 है, तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 8 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 8 और सम कितना आना चाहिए मेरे पास -2। तो हम क्या फैक्टर बना सकते हैं? -2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं -4 + 2। 4 × 2 = 8 मल्टीप्लाई तो यही आ गई, यही चाहिए थी हमें -8 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास -2। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे x² - 4x + 2x - 8। तो कितना हो जाएगा ये x कॉमन, यहाँ पे कितना बचा x - 4 + 2x - 4। अब बच्चे ये हमेशा आपकी जो ब्रैकेट्स वाली टर्म होती है ये हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा x - 4x + 2। तो अब इसको हम क्या रखेंगे 0 के इक्वल रखोगे, इधर हम रखेंगे x + 2 = 0। देन x = 4 एंड ये कितना आ जाएगा आपके पास x = -2। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा α + β। α + β अगर हम करते हैं तो कितना आना चाहिए मेरे पास -b/a। -b कितना है -2 और a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2। और α × β कितना है हमारे पास c/a। c कितना है मेरे पास -8। यानी कि आप इन दोनों को करते हो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों? यानी कि मैं x और ये मेरे पास जो वैल्यूज है इसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे तब भी यही आ रहे हैं और अदरवाइज ये तब भी यही आ रहा है। 4 और 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 8। 4 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 - 2 को + करोगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि ये आपका क्या है, इसको वेरीफाई करते हैं जो आपके रूट्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें 4 को स्प्लिट करना है। 4 को इस तरह से स्प्लिट करना है बच्चे कि उसकी प्रोडक्ट भी कितनी आए 4 आए। तो हम कैसे करेंगे 4x² - 2s - 2s + 1। -2 - 2 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 कॉमन ले लेंगे कितना आ गया 2s - 1। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में एंड इस टर्म में कुछ भी वेरीफाई आपका कुछ भी आपका क्या है कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे जब कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 2s - 1। तो आपका क्या आ गया 2s - 1 = 0। 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 देन s = 1/2
s is equal to 1 by 2. Then roots are 1 by 2 and 1 by 2. Verify आप first question की तरह उसको करेंगे. Verify आपने हर एक question करना है, आप उसको first question की तरह try करेंगे. Next question. अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा confusion create करने के लिए examiner ने क्या किया है, जो x वाली term है वो last में रखी हुई है, तो हम इसको change कर देंगे. 6x square minus 7x minus 3. अब हमें किसको स्प्लिट करना है, 7 को. 7 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट कितनी आए, 6 3 जा 18. तो 7 को इस तरह से स्प्लिट कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 18 आए. तो अब क्या करेंगे हम, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस के 3. क्योंकि देखो बच्चों, अगर माइनस 9 प्लस 2 करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है हमारे पास, और सिंबल किसका यूज होता है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है, यानी कि माइनस के 7 और 9 टू जो 18, तो प्रोडक्ट भी कितनी आती है, 18 आती है. तो इसको ये वेरीफाई करता है इस इक्वेशन को, ये स्प्लिटिंग, तो कितना आ जाएगा, हम क्या कॉमन लेंगे, 3x. यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, 2x माइनस 3. अब सेम थिंग, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा, 1. 2x माइनस के 3. अब एक बार इस टर्म को लिखेंगे, माइनस 3 3x प्लस 1 देन इक्वल्स टू 0. तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 3 बाय में 2 देन 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1. जब भी कोई डिजिट आपका इक्वल्स टू के साइन चेंज हो जाता है, यानी कि इक्वल्स टू के इधर जाता है, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, देन x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3. तो रूट्स क्या होंगे बेटा आपके, x इज इक्वल टू 3 बाय 2 एंड माइनस 1 बाय 3. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. तो इसमें देखो, इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ जिसको हम स्प्लिट कर सकें, क्योंकि इसमें हमारे पास टू ही टर्म्स हैं और दोनों में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं. प्लस 8u इक्वल्स टू 0, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चे हम, 4u. यहाँ कितना बचेगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी, देन u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल टू माइनस के. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टी स्क्वेयर माइनस 15. तो टी स्क्वेयर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, देन टी स्क्वेयर इक्वल्स टू अंडर रूट 15. यही हो जाएगा ना बच्चे, इधर जाके ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा. अब हमें एक बात पता है, जब भी हम स्क्वेयर रूट को, सॉरी स्क्वेयर रूट इधर जाके अंडर रूट 15 हो गया ना, जब भी हमने रूट ट्रांसफर करना है तो हमेशा वो बोथ सिंबल्स के लिए होता है, प्लस एंड माइनस के लिए. देन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 एंड माइनस के 15. ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे स्क्वेयर मैंने जब इधर वैल्यू ली है तो हमने रूट क्या किया, इधर से ट्रांसफर होके अंडर रूट हो गया. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हमें एक्स को स्प्लिट करना है जिसकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए. तो कितना हो जाएगा इसका, अब देखो इस क्वेश्चन के जो फैक्टर्स हैं वो इसी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में छिपे हुए हैं. 3 एंड 4, 3 4 जा 12, और हमारे पास 4 माइनस 3 करके कितना आता है, 1. तो यही हम इसमें अप्लाई कर देंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. क्लियर है बच्चों, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4. दोनों में से जो आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं, बट माइनस 4 के साथ ही रहेगा, क्योंकि मुझे माइनस की टर्म ग्रेटर रखनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 है. तो इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे, 3x, यहाँ कितना बच जाएगा, x प्लस 1, और यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 1, देन x प्लस 1 3x माइनस 4, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 4 बाय 3. रूट्स आर माइनस 1 एंड 4 बाय 3. ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.